बड़ी खबर आ रही है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास दो धमाके हुए हैं। एक कूड़े के ढेर में हुआ है और दूसरा एक मकान में हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन काफी अहम ये जानकारी, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास दो धमाके हुए हैं। एक धमाका हुआ है कूड़े के ढेर में और दूसरा एक मकान में धमाका हुआ है। किस तरह का ये धमाका है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन दो धमाकों की खबर आ रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास हुए हैं ये दो धमाके। किस तरह के धमाके थे ये जानकारी आना भी बाकी है, लेकिन अलर्ट पर उत्तर प्रदेश है लखनऊ एनकाउंटर के बाद से, और ऐसे में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास ये दो धमाके, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह के ये धमाके थे और क्या कुछ जानकारी इनसे संबंधित? जी, आपको बता दें सुबह की घटना है ये, और आगरा कैंट स्टेशन पड़ता है, उसके पास दो धमाके हुए हैं और एक कूड़े के ढेर में और एक मकान में। कोई भी घायल ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है और आलाकारी मौके पे मौजूद हैं अभी। जी नहीं, धमाका किस तरह का था, कहां पर किस चीज में धमाका हुआ है? क्या कोई विस्फोटक था, कुछ प्लांट किया गया था, एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, क्या हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि एक रेलवे स्टेशन के ट्रैक के किनारे से कुछ कूड़ा रखा हुआ था, कूड़े के ढेर में ये पहला धमाका हुआ, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक पास के मकान में ही एक धमाका हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल दो धमाकों की खबर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास से आ रही है। बहुत ज्यादा तफसील से शुरुआती तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दो धमाकों की खबर, एक कूड़े के ढेर में हुआ है और एक मकान के अंदर हुआ है।